सबको वेलकम। कैसे हैं आप लोग? रमज़ान का 12वां रोज़ा किचन खाने की तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट मिनी पिज़्ज़ा सैंडविचेस। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। 15 मिनट में हमारे सैंडविचेस बनके तैयार हो जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा सैंडविचेस के लिए यहाँ पर हम बारबेक्यू चिकन बनाएंगे। बारबेक्यू चिकन की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसकी डिटेल रेसिपी आप ऊपर लिंक शो हो रहा है वहाँ से ले सकते हैं। चिकन जब हमारी पक जाएगी तो इसमें हम ज़रा सा मसाला इस तरह से रहने देंगे। अब चिकन को हम बाहर निकाल कर इसका रेशा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस चिकन को अब मैं दोबारा इस मसाले में डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और 1 टेबल स्पून आप चाहें तो इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हमारी चिकन ड्राई नहीं रहेगी और बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएगी। पिज़्ज़ा सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्लाइस लिए, 1 कप मैंने यहाँ पर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ लिए, इसके साथ ब्लैक ऑलिव्स हैं, शिमला मिर्च है और टमाटर है जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब हम सैंडविचेस बनाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम स्लाइस के सारे किनारों को इस तरह से काट लेंगे। और फिर इस तरह से मिनी सैंडविचेस शेप में स्लाइस को काट लेंगे। अब हम सैंडविचेस में चिकन की फिलिंग कर लेंगे। बहुत जल्दी से हमारे ये पिज़्ज़ा सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ से, ऑलिव से, शिमला मिर्च और टमाटर से सैंडविचेस की टॉपिंग कर ली है। 180 डिग्री पर पहले ही मैंने ओवन को सेट कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारे मिनी पिज़्ज़ा सैंडविचेस बिल्कुल रेडी है। देखा फ्रेंड्स आपने, 10 मिनट में हमारे इतने ज़बरदस्त से सैंडविचेस तैयार हो गए। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ फ़ौरन मिल जाया करें। आखिर में दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।